कौन सी जरूरत है 100-100, 150 बंदे लेके जाने। मुझे आज भी याद है क्लिंटन ने एक दफा उसमें असेंबली में आपने कहा कि मुझे जो है अपने घर के बाहर गार्ड की जरूरत है। तो बच्चे अपने असेंबली में कहा था जब पूरे यूके के हर घर के बाहर दो गार्ड खड़े होंगे ना, तो फिर आपके घर के बाहर भी गार्ड खड़ा हो। क्लिंटन अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है, अब उसकी दो बेटियां कहते हैं कि मैं जो बेटियों को पढ़ाने के लिए टाइम रखा हुआ था, अगर मैं किसी दूसरी कंट्री से आता था तो मैं उस टाइम पे मीटिंग नहीं रखता था। कहते अपनी बेटियों को उस टाइम पे मैं खुद पढ़ाता था, लेकिन हमारे ऊपर ये इनको मौत पड़ जाती है सारी चीजें करके। दोबारा बन जाती हम ऑनेस्ट ही नहीं है अपनी चीजों के साथ, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ ही नहीं पा रहे। पर ये फिर इतना ज्यादा शरायत करता चला जा रहा है हमारे अंदर कि यानी कि सर्विस को क्रेडिट जरूर कीजिएगा, मैं चाह ही रहा हूँ आप दोनों को ज्यादा आपको रखने का ये कि आप बिना झिझक मुझे टोकेंगे। मुझे लगता है कि बहसियत बेटा बेटी बहन भाई माँ बाप किसी भी डेजिग्नेशन में अब हम ऑनेस्ट ही नहीं रहे। इसकी वजह ये इसकी वजह क्या है और ये कब से हमारे अंदर शायद कर गया, जबकि मुझे लग रहा है कि हम जब छोटे थे उस वक्त इतने हालात खराब नहीं थे, उस वक्त ऑनेस्टी थी। बहुत अच्छी बात की। अच्छा अब इसमें समझिएगा तो साथ साथ अगर क्रैक कीजिएगा क्या हो रहा है, ये कबूल है ना इसके फादर थे ये मैं बन के क्लाइंट में किसी में रहे हैं ये लोग, उन्होंने बताया मेरे को उनके फादर भी यहाँ थे तो जिनकी बात से घंटा आता था वो मैं फ्री में दिया करते जो भी कारोबार करना कर लो। तो कहते हैं वक्त आया है वहाँ पे ना बाहर होटल बनना शुरू से खाना पकाने के, तो उन्होंने अपने विशेष इसको जाके कहा कि अब मसला खराब है मेहमानदारी खत्म हो जाएगी। कहते हैं क्या मतलब, कहते हैं अब लोग बाहर खाना खाना शुरू कर देंगे। अब पर्यटन तीन चीजें समझिएगा और इसको नोट कीजिए, मैं लोगों के बहुत काम आएंगी क्योंकि हम रूहानियत वाले लोग हैं, अक्सर हम इतना डेप्थ में जाते हैं। एक तो वो हुआ कि बाहर के खाने ज्यादा हो गए, बाहर के खाने अक्सर पाक नहीं होते। जब नापाकी हमारे अंदर चली जाती है तो शैतानियत आती है। तो एक तो बहुत बड़ा अलमिया ये हो गया। दूसरी चीज आपने देखी होगी कि हमारे इधर जो है वो इल वाले कम हो गए और दुर्बल बढ़ गए। कैसे बढ़ गए, आप देखिए अगर आप आपके भूषण में जीता रहते हैं आपने देखा होगा कि पार्लर बहुत ही अकेचन कदम के पास लेके होंगे। मैं अगर पढ़ने में नजर दिलाऊ ना तो 2 किलोमीटर का अगर डायमीटर उसका मतलब 20 पार्क मिलेंगे मुझे। और इसी पूरी जगह पर अगर मैं देखूं कोई लाइब्रेरी को भी मिल जाए, लाइब्रेरी को छोड़े कोई इल्म वाला मिल जाए जिससे इल्म की बात की जा सके, कोई एक भी नहीं होगा। बहरूपीय सम्राट ये कि जो बामन नहीं है पता दिखाते कुछ है और अंदर से कुछ है ऐसा ही है। देखिए बेसिकली बात क्या होती है, वो खलीफा हारून रशीद वाली बात है कि उसने अशर्फियत की फैली थी और कहा किसी जाहिद को दे देना, तो वजीर पूरा दिन घूम कर आ गया मगरिब के बाद फिर फैली वापस ले आया। खलीफा ने कहा जिक क्या हुआ, उन्होंने जाहिद नहीं था, कहता था जो जाहिद था उसने लिया नहीं, किसने लेना था और जाहिद नहीं था। तो हमारे उधर जो अमल वाले लोग हैं वो उस तरह बोलेंगे जिस तरह से तकरार लोग करते हैं, और हम लोग पसंदीद लोगों को करते हैं। हम रेटिंग देखकर तो लेक्चर सुन रहे होते हैं, इल्म देखकर थोड़ी रेफरेंसेस देखकर थोड़ी सुन रहे हैं। तो क्या हुआ कि माशरे के अंदर ये जो गैप आया है ना एक जनरेशन का, वो जनरेशन दीन की ना पूरी तरह दुनिया की है, पूरी तरह दुनिया से मुराद मगरिब वाली हो ना, नंगे ना चले। अब यकीन करें कि क्या होता है कि अक्सर बेचे क्योंकि मेरे बाहर के क्लाइंट भी मौजूद हैं, वो तो विजिट भी भेज देते हैं, तो उनके मजाक क्या है,
पूरे कपड़े उतार के रोड पे घूम रहे हो ना, उनके मजाक क्या है, शर्ट लगा के अगर ये बॉटल ऐसे पियो दो दिन तो सही है, नहीं तो आपने कपड़े उतार देने हैं। उनकी पूरी जिंदगी ही सेक्स है सिर्फ, हम उस सिर्फ चल पड़े हैं। अभी कुछ अरसे बाद अगर मेहनत जिन घरानों ने ना की, आप देखिएगा ये वाली चीज, 5% फार्मर में आपको बता रहा हूँ, आपको पता है मेरा ये फैमिली कॉटिंग वो है, मैं जो तबक है उनसे पता ही नहीं है कि किन बातों की शरीयत में इजाजत है किन की नहीं है। जब मैं उन्हें बता रहा तो आंखें खुल के होती, अगर मियाँ बीबी ये वाली अगर आदत है मियाँ बीबी किसके, अरे भाई जानवरों की तरह रिलेशन थोड़ी रखना है। लेकिन वजह क्या है, हमने कह रीत तो सिर्फ मस्जिद के अंदर होता है, रमजान में होता है, बकरीद में कुर्बानी की बात। आप ये जो बता दें मुझे कि जो चीजें हैं आपकी मीडिया पर चलती कब है, रमजान में चलती है जी हां, सही है जी, 12 रबी अव्वल जो कि प्रक्रिया दोनों चीजों का हमारे उस दीन से ताल्लुक नहीं है, उस तरीके से त्यौहार के तौर पे नहीं है जी। तो कहां से इस चीजें साइड पर हो गई, तफसील की आपसे भी बात हो चुकी है हमारी, आप अपने 99% लोगों ने कभी किसी इल वाले के साथ बैठ के तफसील नहीं पढ़ी। और फिल्मों की बात करेंगे तो एक वो कोई एडवर्टाइजमेंट आई दो सब पुरानी बात है, तो मैंने उसी में मैं डॉक्टरों की ट्रेनिंग करवा था, उसमें हवाला दिया मैंने, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको इतना दिया कि वो एक एवरेज एक एड में आती है फेस वाली, कहते हैं आपको नहीं पता वो कौन है, मैंने कहा एवरेज सब लगता है मुझे फेस वगैरह, तो उन्होंने कहा नहीं जी वो ये सबको बताता कौन है, मुझे नहीं बताता। तो ये वाली जो हमने जनरेशन तैयार की है ना, जिसमें हमने ये कह दिया कि दीन पे चलने वाला रिजिड हो जाता है, बैकवर्ड हो जाता है, ऐसे ये भी हमारे नाम याद मौलवियों का किया दर है। मौलवियों को मसले कौन से आते हैं आप यूट्यूब पर आके देख लीजिएगा, चार शादियां कैसे की जाती हैं, अम्मा मिश्री कैसे की जाती है, तलाक कैसे होती है, हलादा कैसे होता है, अरे मेन से बेडरूम से ही यूट्यूब पर है। बच्चे दुनिया जान के खुराफात करते रहो लेकिन क्या उनको उनकी रेटिंग इसी पर होती है। तो जो ये वाली चीज होगी, अच्छा फिर इसमें एक और बात जो आ गई, हमने अपनी फैमिली को टाइम देना छोड़ दिया। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उस दौर में से पीटी भी होता था, एक एनएफ वाला जिम देखते थे और एक कार कोई और ड्रामा देखते थे। फिर क्या होता था कि सारे जो बड़े थे वो एक्सपी, बल्कि मैं आपको बताऊं मैं इसको बता भी रहा था, मैंने कहा कि एक दफा भाई के दोस्त आए वो हमारे घर पे रिश्ता चाहते थे ना, क्योंकि उनका था कि किसी से उनकी हमारी बेटी थी, 3 या 4 गालिबन की बेटियां थी माशाल्लाह अच्छे इंसान थे, उनके भाई का ड्राइंग में कहते मिल तो सब करते थे हमारे सब भाई थी। तो उस दिन उन्होंने बड़ी पत्र की बात की जो कि मैंने लिख लिया, हमारे माँ बाप की मेहनत ऐसी है, कहते पता है शायद मैं क्यों चाहता हूँ, कहते देखो तुम भी सोचो कि शायद मुझे तुम्हारे माँ बस बाप को नजर है कुछ है, कहते यार देखो मेरे दाएं तरफ एक वकील बैठा हुआ है, उसके साथ आर्मी ऑफिसर एजुकेशनिस्ट बैठा हुआ है, उसके साथ PLT IT बैठा हुआ है, उसके साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर बैठा हुआ है, कहते यहाँ बच्चे जब होंगे तो प्रदर्शी नगर कितना इल्म होगा। तो बाकी में ये वाली चीजें थी, जब हम घर पे बैठते थे बात नहीं करते थे, मेरे पास जो लॉग है वो मैंने कोई लॉग बाकायदा पढ़ा तो नहीं है, वो डायलॉग से आया वहां बैठने की मेहनत बात की अलग है, लेकिन वो चीज वहां पर थी। इसी तरीके से बच्चा सारी चीजें तो हमारे तो क्या हुआ, मैं क्या क्या मर गया पेरेंट्स को, बच्चों को टाइम दे रही, अच्छा जो बच्चों को टाइम दे रहे हैं पेरेंट उसमें गाली गलौज या गीबत के अलावा कुछ है ही नहीं, क्यों, जब आपके पास इल्म नहीं होगा तो आप अगले को इल्म कैसे देंगे। इवन गलत अहदीस कौन कबीर होते हैं, उस दिन मेरे खातून आई, हालांकि आप यकीन करें 102 मदरसे चला रही है वो, मुझे पता था तैयारी तो रही बस पैसा था, शुरू कर दिया मदरसा, लोग ही समझते हैं मदरसा बना लो तो बख्शिश हो जाती है। मैंने उसमें लड़कियों से मुतालिक कुछ बातें बताई उनको, शर्म सीने छूट गया, खैरियत कहती ये तो मुझे नहीं पता थी,
बैंकेट चैलेंज जो हो गया वो होना, उसकी आप तौबा करेंगे और बाकायदा अब आपको बताना पड़ेगा लोगों के शरी मसले हैं ये, और मैंने कहा इसकी वजह से मेडिकली भी प्रॉब्लम होगा। इसी वजह से मैं खरत आज भी करें कि क्यों खिलाफ हूँ, 99% इनकी जितनी खुवातीन इलाज के लिए हैं उनका मसला ये था कि वो उसमें ना बाकी में भी कुरान खुवा थी, और हम तो जो आमिल लोग हैं हम ये कहते हैं इसमें जो आयात के मौकलीन हैं वो जब नाराज होते हैं तो जिस्म जकड़ देते हैं, और उस जकड़ को जिस्म को ये गुस्ताखी है तो गुस्ताखी वाले के जो ट्रीटमेंट है वो बहुत मुश्किल होती है। आगे की ट्रीटमेंट तो कोई मसला ही नहीं है, मेरे चेस्ट कंजेशन है, हार्मोनल इशू है, वो दूसरे जीती है तो अल्लाह का शुक्र है कोई मसले नहीं हो। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप लोगों को यही नहीं, और हालांकि 2-3 मदरसे चला रही वजह नहीं, मैं मेहनत किए बगैर प्रीचर बन गया चक्कर में अंदर, पैसा किस पे लगा रहे हैं, वहाँ के रंग रोगन पे लगा रहे हैं, वहाँ के ड्रेसिंग पे लगा रहे हैं, वहाँ एसी लगा रहे हैं, अब भाई इल्म पे लगाओ। मैं मेरा मदरसा नहीं उतनी ज्यादा किताबें दीन से मुताल्लिक है उनकी 1% भी वहाँ पे नहीं है किताबें, और पैसा देखा गया तो उन्होंने लगा दिया, 40-50 लाख लगा दिया होगा। तो मेन चीज जहाँ पे हमने शुरू किया था कि वो ये चीजें थी जिसकी वजह से अब आने वाला वक्त, और आप देखिए ना क्रिकेटर अब कहाँ चलेगी हमारी क्रिकेट हॉकी, एक दौर में सारे हॉकी के बड़े प्राइज हमारे पास थे स्क्वैश सही, आप तो पी नहीं हो कि तबाह हो गई, आप गिनना शुरू करें मैं आपको बताना शुरू करूंगा कि हम कहाँ खड़े हैं यार, बिल्कुल यही है और ये यही वाला एरा है जिस एरा में हम क्या हो गए, हम सुस्त हो गए, हम काहिल हो गए, हम काम चोर हो गए। हम जब सीखने के मराहल में थे ना तो लोग टीचर मुझे 2 चैप्टर कहता था, मैं 4 चैप्टर करके लेके जाता था, घर वाले मुझे इतना काम कहते थे मैं 4 काम करता था, मेरे कहते ये सीखने की उम्र होती ही ऐसी है। चले फारूक भाई इतने इतने आज ज्यादा बड़ा नहीं करते ब्याह भाई नहीं हुए, लेकिन ये इंटरव्यू हो गया आज का जी, उसमें फिर ये है इंशाल्लाह ताला इसको देखेंगे, रिकॉर्ड तो नहीं किया होगा आपने किया, मैंने थोड़ा लेट शुरू किया रिकॉर्ड किया मैंने उसको, असल में वेट कर रहा था कि वो आ जाएंगे तो हम स्टार्ट करेंगे, तो मैं फिर स्टार्ट करूँगा रिकॉर्डिंग, फिर मैंने तखन 5 मिनट लेट शुरू किया रिकॉर्ड मैंने, अच्छा ये तो मैं सेव कर दूँगा। हाँ चले इसको वो है कि इसको डालेंगे ताकि लोग इस पे हैंग होना शुरू करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से प्रॉपर हो जाएगा, तो उसको हम पहले क्या करेंगे हम टीमेज में किसी दिन ना वैसे ट्राई कर लेंगे, यूट्यूब के अलावा सिर्फ 5-6 मिनट का लाइव होकर चेक कर लेंगे, उससे हम तीनों को पता चल जाएगा कि यूट्यूब कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है इंशाल्लाह ये होगा टॉपिक, इसी तरह से मैंने ग्रुप बना दिया व्हाट्सएप पे, टॉपिक हम आपस में डिस्कस कर लिया करेंगे, तो जितने भी आप लोग का क्वेश्चन हो आप भेज दीजिएगा, उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन करके टॉप पे कर लिया करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक बहुत शुक्रिया आपने रिप्लाई किया, जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।